कि लॉकडाउन मेजर्स को इन्फोर्स करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा लगातार प्रयास चल रहा है। कुछ राज्यों में सेवानिवृत्त अधिकारी और स्टाफ भी पुलिस की एनफोर्समेंट में मदद करने के लिए आगे आ रहा है। अन्य विभागों के अधिकारियों की भी पुलिस मदद लेकर एनफोर्समेंट कर रही है। एनएसएस और एनसीसी के कैडेट्स भी पुलिस की एनफोर्समेंट में सहयोग दे रहे हैं। एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की स्थिति नियंत्रण में है। जैसे मैंने कल बताया था, इस व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने के लिए गृह मंत्रालय ने कल सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर फिर से स्पष्ट किया है कि मंत्रालय की गाइडलाइंस का लेटर और स्पिरिट में अनुपालन होना चाहिए। सभी ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स का इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट अलाउड है, चाहे वो कार्गो एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल। कार्गो मूवमेंट के लिए अलग से कोई भी परमिट या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। खाली ट्रक्स और गुड कैरियर्स भी अलाउड है, क्योंकि ये गुड्स को पिकअप करने के लिए जाते हैं या गुड्स की डिलीवरी करने के बाद वापस आते हैं। ट्रक में ड्राइवर और उसके साथ एक व्यक्ति परमिटेड है। हमने पत्र में ये भी लिखा कि लोकल अथॉरिटीज को ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की सक्रियता के साथ उनके घरों से ट्रक की लोकेशन तक जाने में सहयोग देना चाहिए। लॉकडाउन एक्टिविटीज के अंतर्गत जो औद्योगिक और व्यावसायिक एक्टिविटीज की अनुमति है, उनके वर्कर्स की सरल आवाजाही में भी लोकल अथॉरिटीज को सहयोग देना चाहिए। रेलवेज, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और कस्टम्स के अधिकारियों को उनके स्टाफ और कंट्रैक्चुअल लेबर को पास देने के लिए अधिकृत किया गया है। ये सब भी सुनिश्चित करना चाहिए। स्टेट्स और यूटीज को त्वरित गति से उन कंपनीज और संगठनों के वर्कर्स के लिए पास इशू करना चाहिए जो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन से एग्जेम्प्ट हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टेट्स और यूटीज के बॉर्डरिंग एरियाज में हैं, उनको कोई समस्या ना आए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एसेंशियल आइटम्स में कार्य कर रहे हैं, जैसे आटा, दाल और एडिबल ऑयल, उनके कार्यों में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेजेस को भी बाधा रहित तरीके से ऑपरेट करने देना चाहिए, चाहे वे एसेंशियल गुड्स के लिए कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस हो, चाहे अन्य गुड्स के लिए। ये निर्देश हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट एरियाज को छोड़कर सभी क्षेत्रों पर लागू हैं, और इन सब एक्टिविटीज को करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का कंप्लायंस इंश्योर करना चाहिए। सभी राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना है कि सभी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज और फील्ड एजेंसीज तक इन गाइडलाइंस की जानकारी पहुंचाए, जिससे कि लोक हित में ये सब परमिटेड एक्टिविटीज बाधा रहित और सुचारू रूप से चलती रहे। इन सब मेजर्स से हम इंश्योर कर सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान एसेंशियल कमोडिटीज और सर्विसेज में कोई भी कमी ना आए। धन्यवाद। ICMR रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। कल तक हमने 2,06,212 टेस्ट किए हैं, उनमें से 14,855 पिछले दिन जो हुए थे वो 156 लैब से हुए हैं, और जो 69 जो प्राइवेट सेक्टर में के लैब है उनमें से 1913 टेस्ट हुए हैं। हमने 14 मेंटोर इंस्टीट्यूट्स करके उनको खड़े किया है कि जो, यानी सब लोगों का कहना है कि अलग अलग जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटी होए तो वो रीजनल उनको स्टेट एलोकेशन किया है, और वो लोग अपने इलाके में वो देखेंगे और कहीं नई लैब खोलना है क्या, कहीं वो फिजिबल है क्या, उनके पास सारे इक्विपमेंट है क्या और वो ट्रेन कर सकते हैं क्या। आज भी हमको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, जिस ढंग से हम टेस्ट कर रहे हैं अभी जितना स्टॉक है उसमें हम 6 हफ्ता टेस्टिंग आराम से कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेल्थ प्लीज। कोविड 19 के संबंधित
इशू पर रिसर्च को रिव्यू करने के लिए माननीय हेल्थ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर साहब ने CSIR की लैब DGCSIR और उनकी 38 लैब के साथ कल एक डिटेल रिव्यू लिया था, जिसके तहत CSIR में एक कोर स्ट्रेटजी ग्रुप बनाया गया है और उस स्ट्रेटजी ग्रुप के तहत मुख्यतः डिजिटल और मॉलिकुलर सर्वेलेंस, रैपिड एंड इकोनॉमिकल डायग्नोस्टिक्स, न्यू ड्रग्स, रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स एंड एसोसिएटेड प्रोडक्शन प्रोसेसेस पर काम किया जा रहा है। CSIR की ये लैब्स प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मंत्रालयों के साथ भी क्लोज कोऑर्डिनेशन में कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत 27 राज्यों में 78,000 के करीब हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं उनके द्वारा अब तक 1.96 करोड़ मास्क का प्रोडक्शन किया जा चुका है। साथ ही नेशनल कैडेट कोर द्वारा एक्सरसाइज NCC योगदान के तहत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की जा रही है। COVID-19 के खिलाफ की इस लड़ाई में अब तक 50,000 से अधिक लोगों ने वॉलंटियर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान भी है जहान भी है और उनकी यह कॉल इज ऑल्सो बैक्ड बाय एक्शन। 10 अप्रैल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पैकेज के तहत अब तक 30 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को COVID-19 के कारण हुए लॉकडाउन के प्रभाव से संबंधित बचाने के लिए सपोर्ट के लिए 28,256 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान की गई है। दिस इंक्लूड्स सपोर्ट टू 19.86 करोड़ जनधन योजना विमेन अकाउंट होल्डर्स, जिनको कि 9,930 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। साथ ही पीएम किसान योजना के तहत 6.93 करोड़ फार्मर्स को करीब 13,855 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसी तरीके से सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत 2.82 करोड़ विडोज, सीनियर सिटीजन्स और जो हमारे दिव्यांग हैं उनको करीब 1,405 करोड़ रुपीज़ ट्रांसफ़र किए गए हैं। 2.16 करोड़ जो हमारे बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्कर्स हैं उनको भी करीब 3,066 करोड़ रुपीज़ की राशि के द्वारा हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है। मैं यही आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि वाइल नेशन इज एट लॉकडाउन, हम ये चाहते हैं कि लाइफ ना रुके और इसीलिए अफर्ट्स हैं कि वाइल लाइव्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड उसी के साथ साथ लाइवलीहुड्स के ऊपर भी काम हो। अब तक अगर मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ लाना चाहूँगा कि अब तक अराउंड 857 लोग रिकवर हो चुके हैं और उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो एक ही दिन के अंदर 141 लोग जो रिकवर हुए हैं हमारे यहाँ पर। अगर पॉजिटिव केसेस और रिपोर्टेड डेथ की स्थिति अगर हम देखें तो टोटल 9,152 पॉजिटिव केसेज आए हैं, टोटल 308 डेथ रिपोर्ट हुई हैं और एक दिन के तहत देखें तो 796 पॉजिटिव केसेस एडिशनल आए हैं और इसके साथ ही टोटल 35 एडिशनल डेथ देश में रिपोर्ट की गई हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट फील्ड स्थाई पर जो हमारा जिला एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट दिखने भी लगे हैं। आज अगर हम देखें तो 15 राज्यों में 25 जिलों में उसमें पिछले 14 दिन से, जबकि वहां पर इससे पहले की पॉजिटिव केसेस आए थे तो पिछले 14 दिनों से कोई भी पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। मैं इन जिलों के नाम आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा जिसमें है गोंदिया इन महाराष्ट्र, राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर इन छत्तीसगढ़, देवनगिरी, कोडगु, तुमकुरु और उड़ीपी कर्नाटका में, साउथ गोवा इन गोवा, वायनाड और कोट्टयम इन केरला, वेस्ट इम्फॉल इन मणिपुर, राजौरी इन जम्मू एंड कश्मीर, आइजवाल वेस्ट इन मिजोरम, माहे इन पुडुचेरी, SBF नगर इन पंजाब, पटना, नालंदा और मुंगेर बिहार में, प्रतापगढ़ इन राजस्थान, पानीपत, रोहतक, सिरसा इन हरियाणा, पौड़ी गढ़वाल इन उत्तराखंड, भद्राद्री कोतागुड़म इन तेलंगाना। इसमें मुख्यतः बात यह है कि इन जिलों में जब पॉजिटिव केस आया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज के तहत काम किया और जिसके रिजल्ट फलस्वरूप हमें कुछ कुछ दिखने भी लगे हैं, लेकिन आज फिर भी यह ज़रूरत है कि हम अपनी विजिलेंस कंटिन्यूड उसी विगर उसी एनर्जी के साथ बनाए रखें। हम यह सुनिश्चित करें कि आने वाले दिनों में भी इन जिलों में कोई नया केस ना आए। हम हर स्तर पर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। टाइमली रेस्पॉन्स के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ही आवश्यक है।
हम टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइव केस ट्रैकिंग, केस मैनेजमेंट और कंटेनमेंट प्लान की इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। GIS मैपिंग के द्वारा पॉजिटिव कन्फर्म केसेस, एक्टिव इंटरवेंशन एरियाज आइडेंटिफिकेशन, कंटेनमेंट प्लान इम्प्लीमेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीट मैप्स और प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस के द्वारा फ्यूचर में किस एरिया में हमें काम करना है उसका प्रयोग किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स हैं जिनके द्वारा रैपिड रिस्पॉन्स टीम और एम्बुलेंस और क्वारंटाइन मैनेजमेंट को मैनेज किया जा रहा है। कुछ जिलों ने रिमोट डिजिटल मेडिकल कंसल्टेशन भी शुरू किया है जिससे कि लोकल मेडिकल स्टोर्स भी कनेक्टेड हैं। सरकार ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन के रिस्क असेसमेंट के लिए नागरिकों के लिए एक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का भी लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन 11 लैंग्वेजेज में उपलब्ध है। इसके अब तक 3.45 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। इसके द्वारा एक कॉमन सिटीजन अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो ना ही वो अपना रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, इसके साथ ही अगर इस एप्लीकेशन को सभी लोगों ने डाउनलोड किया हो तो उनको अगर वो किसी पॉजिटिव या उस टाइप के आदमी के पास जाएंगे तो उनको एक रिक्वायर्ड अलर्ट भी मिलेगा। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि यह एप्लीकेशन जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एल्गोरिथम और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाई गई है, इसको कृपया करके सब लोग डाउनलोड करें और इसका फ़ायदा उठाएं। हम NSS, NCC, रेड क्रॉस, एक्स आर्मी पर्सन, रिटायर्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स और मुख्यतः वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो फील्ड लेवल पर हमारे साथ काम कर रहे हैं उन सब की वॉलंटियरिंग हेल्प को ले रहे हैं। हम उन सबको सैल्यूट करना चाहते हैं क्योंकि सब हमारे साथ खड़े होकर इस लड़ाई में हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसके तहत कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे कॉमन सिटीजन को रिक्वायर्ड हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बेंगलुरु का वॉर रूम आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा जो कि स्टेट को कोविड मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट दे रहा है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी माने जाने वाला शहर बेंगलुरु, जहां IT एक्सपर्ट्स कंप्यूटर और इंटरनेट प्रणालियों को प्रभावित करने वाले वायरसों का समाधान ढूंढने में कभी चूकते नहीं, कुछ ऐसे ही उन्होंने कोरोना वायरस के विरुद्ध भी अभियान छेड़ दिया है। भारत में कोरोना से मौत का पहला मामला जब कर्नाटक से आया तो सरकार तुरंत हरकत में आ गई। ये है बेंगलुरु में बनाया गया 24 घंटे काम करने वाला वॉर रूम। यहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, रिसर्च स्कॉलर्स, साइकोलॉजिस्ट, नागरिक, शिक्षाविद, रेड क्रॉस कर्मी सभी कोरोना योद्धा की भूमिका में हैं। विभिन्न क्षेत्रों के 22,000 से अधिक लोग खुद को कोरोना योद्धा के तौर पर पंजीकृत करा चुके हैं। यहां हर आने वाली कॉल का जवाब दिया जाता है, कॉलर को उचित और आवश्यक जानकारियां मुहैया कराई जाती हैं। इट्स अ परफेक्ट वे दैट ऑल द स्टार्टअप्स एंड द गवर्नमेंट एंड एकेडमी हैज कम टुगेदर। इट गिव्स यू रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव केसेस, सस्पेक्टेड केसेस एंड एन एंटायर ग्राफ एट द तालुका लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। हंगर हेल्पलाइन नंबर 155214 भी इस वॉर रूम से संचालित किया जा रहा है। श्रम विभाग द्वारा संचालित ये हेल्पलाइन नंबर प्रवासी मजदूरों और बेघरों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करता है, जहां जरूरतमंदों को सिर्फ 155214 पर कॉल करना होता है। वॉर रूम में विशाल इलेक्ट्रॉनिक वॉल है जिस पर हर आने वाले फोन कॉल का स्थान और उन तक पहुंचने वाले वॉलंटियर्स की जानकारी होती है। ई वॉल पर लाल निशान शहर भर से आने वाले कॉल्स को दर्शाता है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से 10 लाख से अधिक लोगों को भोजन दिया जा चुका है। इसके अलावा वॉर रूम फेक न्यूज के भांडाफोड़ में भी अहम योगदान दे रहा है। दिस इज द नर्व सेंटर, व्हाट वी कॉल इट अ CM's वॉर रूम ऑन COVID-19। दिस इज वेयर वी आर फाइटिंग वेरियस बैटल्स। द फर्स्ट बैटल दैट वी फाइट, व्हाट यू आर सीइंग ऑन द बिग स्क्रीन्स, इज द फाइट अगेंस्ट हंगर। नाउ द विजन ऑफ Honorable Prime Minister and Chief Minister is to ensure that nobody goes hungry in our state and country. Bengaluru Mahanagar Palika ke parisar mein bhi is niyantran kaksh ki ek mahatvapurna ikai hai, jahan corona yodha aur adhikari 24 ghante prarambhik star par corona ko parast karne ke uddeshy se kaam kar rahe hain. Heat maps hotspot ko chinhit karne aur inko khatre ke aadhar par vargikrit karne ka sabse unnat tarika hai. Red spot
यानी 14 दिन का आइसोलेशन। ब्लू स्पॉट का अर्थ है 14 से 28 दिन का आइसोलेशन। ग्रीन स्पॉट मतलब 28 दिन का आइसोलेशन पूरा हो चुका है। मानचित्र पर जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर जोन बनाए गए हैं। अगर मामले बढ़ जाते हैं तो ये खुद ब खुद मानचित्र पर लाल रंग में बदल जाते हैं। इसी को हीट मैप कहते हैं। We have set up a war room where all the statistics from the state is collected, compiled and analyzed. So you can get any statistics connected to corona, not only for Karnataka, but also we collect statistics for comparison purposes from other states. Quarantine app, जिसमें GPS tag होता है, उसे quarantine किए गए मरीजों को download करना पड़ता है। रोगी को हर दिन एक सेल्फी कंट्रोल रूम भेजनी होती है ताकि उनकी निगरानी अच्छी तरह से की जा सके। कोरोना वॉच एक अन्य ऐप है जो पहले से पाए गए पॉजिटिव मामलों को ट्रैक करता है। कोरोना ट्रेसिंग ऐप नागरिकों के लिए सार्वजनिक डोमेन में पॉजिटिव रोगियों के डेटा को डालकर ये जानकारी देता है कि वो कभी किसी पॉजिटिव रोगी के संपर्क में आया था। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग अब एक फोन ऐप का उपयोग करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दे रहा है। इस बहुआयामी उन्नत तकनीक के उपयोग का परिणाम है कि कर्नाटक इस घातक बीमारी की बड़े पैमाने पर रोकथाम करने में सफल होता दिखाई दे रहा है। मैं फिर आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा कि भारत में हमने हमेशा एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी के तहत काम किया है। इंस्टेड ऑफ कि वायरस इज चेजिंग अस एंड वी रिएक्टिंग टू इट, हमारा फोकस हमेशा से सर्वेलेंस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और केस मैनेजमेंट के माध्यम से वायरस को एक्टिवली चेज करने का रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग बिहेवियरल चेंज और सोशल डिस्टेंसिंग को एक अपनी लाइफ में समाहित करें और हम सोशल वैक्सीन यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट बनाएं। चैलेंज बहुत बड़ा है, बट आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इंडिया हैज टू वर्क हार्ड एंड इमर्ज सक्सेसफुल आउट ऑफ इट। धन्यवाद। धन्यवाद। एक इनपुट मैं शेयर करना चाहूंगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बारे में है। रेलवेज हैज लोडेड एंड कैरिड मोर देन 1.9 लाख वैगन्स ऑफ कोल एंड मोर देन 13,000 वैगन्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जनरली वन वैगन कंटेन्स 58 टू 60 टन ऑफ कंसाइनमेंट एंड दिस कैरिज वॉज ड्यूरिंग द लास्ट 11 डेज। Now we take a question from Pranoy, ABP. मेरा सवाल ICMR से है। पहला तो वो लेके चाइना से जो कंसाइनमेंट आया था, क्या वो चाइना ने US डाइवर्ट किया है, और अगर है तो हमने क्या चाइना के साथ टेकअप किया है जो मैन्युफैक्चरर जिनसे टेस्टिंग किट्स आनी थी? पहला कंसाइनमेंट कब तक आने की उम्मीद है जो भारत ने पहला ऑर्डर दिया था उसके लिए? और दूसरा ये कि CDC ने एक स्टडी कंडक्ट की है रिसेंटली, US CDC ने, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस के ऊपर, कि ये शू सोल से भी ट्रांसमिट हो रहा है। अभी तक ICMR के इसकी ट्रांसमिटेबिलिटी के ऊपर क्या स्टडीज हैं और अभी तक हमारा जो है वो क्या सजेस्ट करता है ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस पे? पहला जो सवाल आपने पूछा, क्या चाइना का माल अमेरिका डाइवर्ट हुआ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हम न कमर्शियल डेटा रखते हैं न मैन्युफैक्चरर हैं, तो कहाँ से कहाँ गया ये ICMR को पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, चाइना से कुछ किट आ रहे हैं क्या? वो शायद 15 तारीख को पहला कंसाइनमेंट पहुँचेगा, ऐसा हमारा हमको जो बोला गया है 15 तारीख को थोड़े किट्स आएंगे। रहा तीसरा सवाल वो ट्रांसमिशन के हिसाब से, एक चीज़ हमने याद रखना है कि जब इस किस्म की बीमारी आती है और उसमें हम अलग अलग ढंग से वो ट्रांसमिट होता है क्या जब देखते हैं, तो साइंस में सबसे बड़ा सवाल क्या खड़ा होता है, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस कितनी बड़ी है। स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस इसलिए है कि मुझे ये बोलना पड़ेगा कि इनको जो ट्रांसमिशन हुआ ये खांसी या किसी एक्सपोज्ड आदमी के संपर्क में आके नहीं हुआ है, या ये कहीं ऐसी जगह नहीं गए थे कि जहां उनको लग सकता है। अब सिर्फ जूतों से हुआ है ये बोलने के लिए बहुत बड़ा एविडेंस लगेगा। मैं ऐसे एविडेंस को
सिर्फ एक ही अगर रिपोर्ट आया तो उसको इतना आसानी से मानूंगा नहीं। ऑनलाइन क्वेश्चन है, सम मीडिया पर्संस हैव बीन आस्किंग व्हाई देयर इज नो लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेबसाइट एंड दे हैव फर्दर साइटेड दैट वन ऑफ द रीजंस ऑफ हायर डेथ रेट इन मुंबई एंड महाराष्ट्र बिकॉज द इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड हॉस्पिटल वॉज नॉट अवेलेबल। सर, द रीजन वाई वी हैव नॉट केप्ट ए स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स एज ऑफ नाउ is because we do not want people to unnecessarily feel panic and flood those hospitals. What is important, मैं आप सब लोगों से request करना चाहूँगा कि जो भी, क्योंकि ये infectious disease है, तो जो भी suspected case या contact history या कोई आदमी अपने आप को suspect feel करता है तो government of India के call center number से या state government के call center number से संपर्क करें। उनके symptoms, उनकी situation के basis पर साथ में जो हमारे COVID dedicated hospital हैं वहाँ पर कितने रूम अभी ऑलरेडी हाउस्ड हैं उसके बेसिस पर उनको प्लान करके सफिशिएंट गाइडेंस दी जाएगी कि वह किस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाएं और उसको मॉनिटर किया जाएगा। मिस्टर नीलू, दैनिक जागरण, प्लीज टेक माइक। सर, ये पश्चिम बंगाल से एक खबर आ रही है कि वहां पे राज्य सरकार जो है वो टेस्ट के लिए सैंपल्स नहीं भेज रहे हैं उतना और बहुत कम टेस्ट हो रहा है, और उसी के साथ मुझे हेल्थ मिनिस्ट्री से भी है कि होम सेक्रेटरी ने स्पेशल लिखा है पश्चिम बंगाल को कि लॉकडाउन के जो नियम है वो लागू नहीं हो रहे हैं और वो ढंग से लागू करना चाहिए। अगर इस ढंग से अगर लापरवाही किसी एक स्टेट में रही तो क्या ये पूरी लड़ाई पूरे देश में पीछे नहीं जाएगी? नहीं, मैं शायद इसके बारे में लव अग्रवाल साहब से बात करना। देखिए, हमारा प्रयत्न है कि हम इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट में पूरे देश में यूनिफॉर्मली हर तरीके से जो भी हमारे रूल्स हैं, हमारे डूज एंड डोंट्स हैं, उनको फॉलो किया जाए, जिसके तहत होम सेक्रेटरी साहब एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हम उन्हें रेगुलर बेसिस स्टेट के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम उन्हें बताते हैं कि ये हमारी गाइडलाइंस हैं, ये हमारी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, और जिसके तहत ही ऑलरेडी जो आप आज कंट्री में रिजल्ट देख रहे हैं वो उसी एफर्ट का नतीजा है कि कैसे मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही हैं। मिस्टर साहिल फ्रॉम ANI। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम साहिल है, मैं ANI न्यूज एजेंसी से हूँ। मेरा क्वेश्चन ICMR के लिए है। सर, अभी भी काफ़ी डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है और क्या PPE अवेलेबल नहीं है इसलिए हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। थैंक यू। मैंने जैसे पहले भी बोला है, किसी चीज़ का एट्रिब्यूशन को मैं क्या बोलूँगा, किसी चीज़ का सही कारण क्या है ये ढूँढना बहुत कठिन होता है। जैसे आप बोल रहे हैं, समझ लीजिए उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे अभ्यास अगर करना है तो उसका एक्सपोजर कौन सी वजह से ज़्यादा हुआ है ये समझने के लिए मुझे कुछ तो नुस्खा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो इतना आसान नहीं है। आपने अगर ऐसे देखा तो आज भी आपको ये पता नहीं है कि एक्सपोजर यानी क्या होता है। एक्सपोजर यानी कोई इंसान वो कोविड हुए वाले इंसान के साथ 3 फीट के डिस्टेंस पे 4 घंटा खड़े रहा तो उसको एक्सपोजर मानेंगे क्या? ये जो जानकारी होती है ये जैसे टाइम जाएगा वैसे होगी। अक्सर हम जो सुन रहे हैं कि PPE के वजह से हुआ, ये कहने के लिए हमारे पास उतना सबूत अभी तक है नहीं। जब तक हम एक्सपोजर नहीं गिन सकते तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब उसको और किस मार्ग से हुआ है, ये बहुत कठिन होता है। सर, लेट मी ऐड, ये जैसे मैं आपको इससे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हमारे पास अगर कोई हेल्थ केयर रिलेटेड, हेल्थ प्रोफेशनल रिलेटेड इन्फेक्शन के जो मामले आए हैं, वह मामले 2 तरीके से आए हैं। एक उस केस में कि जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री थी, हेल्थ प्रोफेशनल थे और उन्होंने अपने रेगुलर इंटरेक्शन में अपने ही हॉस्पिटल या अपने इंटरेक्शन के थ्रू और लोगों को फैलाया। वह केसेस जो नंबर है उनका केसेस का नंबर ज़्यादा है जो कि हेल्थ प्रोफेशनल रिलेटेड इन्फेक्शन है। एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज उन लोगों की भी है जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए भी इन्फेक्ट हुए हैं। इसी के तहत हम हमेशा कहते आए हैं कि
जो हमारा डे वन से एफर्ट है कि जब हम फील्ड पर काम करें तो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की सारी स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करें. विद रेस्पेक्ट टू यूज़ ऑफ पीपीज, हम आप लोगों की नॉलेज में इससे पहले भी कई बार लाए हैं कि जब देश में पीपी अवेलेबल नहीं थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर कंटिन्यूस एफर्ट करते हुए आज 39 हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं जो पीपी प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं. सिचुएशन ईज आउट होनी शुरू भी हो गई है और उसके साथ ही हमने स्टेट्स को पीपी सप्लाई भी किए हैं. साथ ही क्योंकि जो पीपीज अभी भी अवेलेबल हैं उनको हम मिसयूज ना करें, एक्स्ट्रा यूज ना करें, उनका ऑप्टिमल यूज़ करें, उसके तहत रैशनलाइजेशन ऑफ पीपी संबंधित गाइडलाइंस भी हम लोगों ने स्टेट को और हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड की है. इसी के तहत मैंने इससे पहले भी आप लोगों की नॉलेज में लाया था कि जब हम पीपीज इस्तेमाल करते हैं तो पीपीज के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं और हर एरिया जहाँ पर भी हेल्थ का इंट्रैक्शन होगा वह हम हाई रिस्क, लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क में डिफाइन कर सकते हैं और उसके तहत ही फुल कंटिजेंट ऑफ पीपीई चाहिए, मीडियम कंटिजेंट ऑफ पीपीई चाहिए या केवल एक मास्क पहनने से काम चल जाएगा, यह चीज़ भी हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को बताया है और उसके तहत ही स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर एक्शन हो रहा है. ऑनलाइन क्वेश्चन. व्हाइल क्वेश्चंस ऑन एफिकेसी ऑफ HCQ आर बीइंग रेज्ड ग्लोबली, ट्रायल्स हैव आल्सो बिगन ऑन एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर. इज इंडिया आल्सो थिंकिंग ऑफ यूजिंग दिस ड्रग फॉर कोविड ट्रीटमेंट इन सीरियस कंडीशन पेशेंट्स? रेमडेसिविर नाम की एक दवा है जो इसके पहले इबोला में इस्तेमाल हुई थी. इबोला में इसका काफ़ी परिणाम दिखा था इसलिए वो इबोला में अच्छी होगी ऐसे समझ आई थी. ये जो दवा है ये जो COVID-19 का जो विषाणु है ये विषाणु को बच्चे पैदा करने वाले सिस्टम में उसको एक जो एंजाइम लगता है उसके ऊपर ये असर करती है इसलिए ये काम करेगी ऐसे लोगों को लगा. ये जो अभ्यास आप जो बोल रहे हैं ये अभ्यास कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं था, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है. कुछ लोगों को जिनको दिया है उनको उनका सारा डेटा इकट्ठा करके उसके ऊपर से अंदाज बांधा गया. इसमें ऐसे दिखाई दिया कि इनको अगर हमने दवा दी तो उनमें से दो तृतीयांश यानी 68% यानी दो तृतीयांश समझ लीजिए, तीन में से दो पेशेंट को जो वेंटिलेशन की जो नीड थी ना, कोई वेंटिलेटर पे होगा उनको वेंटिलेटर लगने की ज़रूरत नहीं रही, कोई लोगों को जो ऑक्सीजन डिमांड थी वो भी कम हो गई होगी, उस किस्म से दो तृतीयांश लोगों को इसका फ़ायदा हुआ. अब ये रेमडेसिविर ये गिलियर्ड करके एक कंपनी का प्रोडक्ट है, अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है लेकिन इसके ऊपर हम जो ICMR सॉलिडेरिटी ट्रायल जो WHO कर रही है उसके इसमें एक आर्म है रेमडेसिविर का. वो रेमडेसिविर के आर्म से हमको पता भी चलेगा और कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी रेमडेसिविर बना सकते हैं क्या, इसका काम कर रहे हैं, वो अगर होता है तो हम इससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. Siddhant from Beyonds. How much equipments we have brought from abroad as of now, any data? And secondly, when do you expect the peak to happen? Because the numbers are increasing and we know the numbers have already crossed 9,000. So any mathematical model on the peak? See, we have already issued orders not within the country but also abroad and order supplies have started coming. I may not be in a position to give you exact details of each and every supplies which had come in last few days, but if you need those details, you can contact our office, we'll provide you all the details. Peak is concerned, so you have to understand and appreciate that we want peak not to come, and that is why our efforts have been in terms of promoting social distancing, in terms of ensuring that containment strategies are put in place. This is a continuous effort. Government of India, in collaboration with citizens of this country, is trying its best to ensure that we are able to manage the situation well. 36, last question. Ravi Shankar Kapoor, my question is to Mr. Agarwal. Any directions from the ministry, your ministry, to OPDs of government hospitals and super specialty hospitals so that they can start functioning regularly? Sir, we have already issued directions on the fact that as far as elective surgeries are concerned,
they can be avoided because we are dealing with an infectious disease, and these directions stand as of now.